चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया के थर्ड राउंड का रिजल्ट आ चुका है और जो कट ऑफ रही है वो बहुत ही ज्यादा रही है। ज्यादा का मतलब ये है कि ये जो थर्ड राउंड है इसमें सेकेंड राउंड से सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक ही मार्क्स डाउन कट ऑफ रही है। तो ये सीट ब्लॉकिंग के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट ने स्टेट में भी सीट ज्वाइन कर रखी है और ऑल इंडिया से भी स्टूडेंट ने सीट फिल की है, उसकी वजह से ये कट ऑफ इतनी ज्यादा रही है कि इसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते थे कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। ये कारण सीट ब्लॉकिंग का है। तो आइए एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी की 22,663 रैंक, जिसके 611 मार्क्स थे, नागालैंड मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 24,659 रैंक, जिसके 607 मार्क्स थे, चूड़ा चांदपुर मिला है। ओबीसी कैटेगरी 22,784 रैंक, जिसके 611 मार्क्स थे, नागालैंड मिला है। एससी कैटेगरी 1,23,215 रैंक, जिसके 486 मार्क्स थे, विरुधुनगर मिला है। एसटी कैटेगरी 1,59,136 रैंक, जिसके 453 मार्क्स थे, करूर मिला है। तो ये काफी ज्यादा कट ऑफ रही है, यानी कि हर एक बार थर्ड राउंड में मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ है डाउन 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स तक डाउन रहती है। लेकिन इस बार कारण ये था कि इसमें अपग्रेडेशन भी था थर्ड राउंड में और इसके बाद में सीट ब्लॉक भी काफी हुई है। अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ है वो डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में। बाकी कोर्सेज की कट ऑफ हम जल्द लेके आएंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।